दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट 2020 को लेकर, मैट्रिक और इंटर रिजल्ट को लेकर। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, देख सकते हैं इंटर का रिजल्ट जो है तैयार हो चुका है, मैट्रिक का रिजल्ट अभी होल्ड पे कर दिया गया है। पूरी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी छात्र बिहार बोर्ड से यहाँ पे मैट्रिक और इंटर का क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हुए थे और अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो दबा दीजिए दोस्तों। दबाने के साथ एक छोटा सा बेल आइकन घंटा आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पल पल का न्यूज़ यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को लेकर लॉकडाउन के बीच बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट की क्या स्थिति है, आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड मतलब BSEB ने 10वीं क्लास या बिहार मैट्रिक परीक्षा की मूल्यांकन जो प्रक्रिया 31 मार्च तक, जी हाँ दोस्तों 31 मार्च तक जो स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे इंटर का जो है मूल्यांकन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और टॉपर लिस्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो जारी करने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि 12वीं क्लास की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और बोर्ड रिजल्ट जारी करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड पूरा तरह से जो है रिजल्ट जो तैयार हो चुका है, सिर्फ और जारी करने का, पब्लिश करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अधिकारी ने रिजल्ट जारी करने की तारीख बताने से इनकार कर दिया। ठीक है, अभी तारीख का यहाँ पे मुहर नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो आनंद किशोर, उन्होंने ही बताया था कि 31 मार्च तक, यानी मार्च के अंत तक, देखिए जब तक महामारी नहीं फैली थी तो बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट यानी 12वीं के रिजल्ट मार्च अंत तक जारी करने की बात कही थी और मैट्रिक के रिजल्ट अप्रैल में, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया है। ठीक है, अब 31 मार्च तक यहाँ पे पहले जो बिहार बोर्ड के आनंद किशोर जो बताया था कि हम लोग लास्ट मार्च के एंड में जो रिजल्ट है जारी कर देंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जारी होगा फिर नहीं, लेकिन फाइनल जो तिथि है वो 31 मार्च ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर और मैट्रिक वालों के लिए 10 अप्रैल के बाद ही रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि 31 मार्च तक यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है कॉपी का मूल्यांकन। ठीक है, जैसे कोई नया न्यूज़ निकल कर आता है तो मैं आप लोग को सबसे पहले देने का कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जो भी न्यूज़ सबसे पहले यहाँ पे आएगा दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से, हाँ इसी तिथि को इस दिन जारी करेंगे, तो सबसे पहले इस चैनल के मदद से आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।